नमस्कार साथियों, मैं सुचित कुमार, आप देख रहे हैं सच्चाई आज तक। इस वक्त हम मौजूद हैं चामन प्रखंड के मननपुर बाजार में, जहाँ की हमारे साथ एक बहुत पुराने प्रिंसिपल हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि सर का क्या नाम है और ये स्कूल का क्या नाम है और यहाँ पे स्कूल कब से चल रहा है। मैं ये सर के द्वारा ही जानने का प्रयास करूंगा। सर हमारे साथ मौजूद है, पहले हम सर का नाम जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय उल्लास प्रसाद वर्मा है और मैं धर्मपुर गांव से बिलोंग करता हूं, लेकिन वहां जो है अब कुछ मेरे लिए नहीं रह गया है। वहां कुछ जमीन जायदाद थी, उसे बेचकर मननपुर में ही जो है घर बनकर के तैयार हुआ, जिसमें कोचिंग 98 यानी 2098 से प्रारंभ हुआ। उसके बाद स्कूल का प्रारंभ 2016 से, और मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरी शिक्षा जो है हाई स्कूल मननपुर यानी 83 का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मुझे उद्देश्य रहा है कि हर बच्चों को, चाहे स्कूल हो चाहे कोचिंग हो, पढ़ाई के साथ साथ यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हाथ बटाने का कार्य करता हूँ और शिष्टाचार पर विशेष ध्यान देता हूँ, ताकि वह उन बच्चों की भविष्य जो है उज्जवल रहे, आगे बढ़ते रहें। मैं ये सर से ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि सर आपका स्कूल का नाम क्या है? सर मेरे स्कूल का नाम चानन पब्लिक स्कूल और कोचिंग का नाम ये, और मननपुर में ये कितना दिन से स्कूल है? सर यह स्कूल 2016 से स्थापित हुआ है। ये चानन पब्लिक स्कूल ये मननपुर बाजार में है, ये करीबन यहाँ पे कितने वर्ष से है? सर बच्चों की संख्या यानी 2000 से ऊपर है, सॉरी 200। मैं ये सर आपसे जानकारी लेना चाहता था कि यहाँ पे जो है कितने वर्ष में यह स्कूल का, आपका यहाँ पे सबसे पुराना चानन पब्लिक स्कूल है कि इससे पहले भी यहाँ पे कोई और स्कूल था? यहाँ उस टाइम में जो है 98 से मैं कोचिंग शुरू किया, वर्मा कोचिंग सेंटर। उस टाइम में एक दो जगह ही पढ़ाई होती थी और उसके बाद धीरे धीरे जो है यहाँ जो है कोचिंग खुलते गया, स्कूल भी खुलते गया। साथियों, आज एक हमारे साथ चानन पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल सर हैं, जो शिक्षा के साथ साथ जो है ये सांस्कृतिक कला से भी जुड़े हुए हैं। मैं सर से कुछ सांस्कृतिक कला के बारे में भी जानने का प्रयास करूंगा और मैं ये भी क्या इनके पास में नॉलेज है, मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाना का भी प्रयास करूंगा। चलिए सर, थोड़ा बताइए सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है मेरे विद्यालय में हारमोनिया है, जिसमें एक टीचर हमें रास्ता दिलाए सिखाने का सरगम, और जैसे जैसे वे हमारे जो है दिखाने का काम किए, वैसे वैसे मैंने अभ्यास करते गया और अभ्यास करते करते यानी सरस्वती वंदना तक ही मैं पहुंचा हूं। सरस्वती माँ की देन है और सबसे बड़ी होती है अभ्यास। करत करत अभ्यास थे जन्मति हो सुजान, रसी आवत जाते सिर पे प्रत निशान। यह जो है कविता बिल्कुल जो है सत्य है और आज के समय में अभ्यास करते रहने से वह विद्यार्थी जो है आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें शिष्टाचार का गुण जो है मैं पैदा करने का, उत्पन्न करने का विशेष प्रयास करता हूँ। पढ़ाई के साथ साथ शिष्टाचार अनुशासन अनिवार्य है। साथियों, आपने देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो दिखा दिए, एक हारमोनिया भी सर के साथ है और अभी हम सर से कुछ हारमोनिया भी बजवाएंगे और ये थोड़ा सा सर से ये जानकारी लेंगे कि शिक्षा के साथ साथ किस तरीके से सर जो है हारमोनिया का भी अभ्यास करते हैं
ऐसे बहुत कम शिक्षक होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ जो है मैंने सांस्कृतिक कला से अपना रुचि रखते हैं और सर रखते हैं। मैं सर से थोड़ा सा दो लाइन हारमोनिया भी सुनेंगे सर, थोड़ा सा हारमोनिया बजेंगे सर। Thank you.
तो साथियों आपने देखे कि ऐसे शिक्षक बहुत कम मिलते हैं। साथियों आज मुझे पहली बार ऐसे शिक्षक से भेंट हुआ है जो शिक्षा के साथ साथ जो है ये हारमोनिया का भी अभ्यास करते हैं और हारमोनिया अच्छे से बजा लेते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।